सालारे पाकिस्तान हजरत कमर जवाद बाजवा से है कि आप अपनी एजेंसियों को और आप एजेंसियों के लोगों को जरा समझाएं, हाथ बोला रखें। बाजवा साहब, ये पाकिस्तान है तो आप सपा सालार है, इमरान साहब वजीर आजम है और उनके सेनेट और असेंबली में बैठे हुए नाख्वादा से मुराजिया जिन्हें तीन का अलग बेली आता, आप सब जानते हैं हजरत रहमान मलिक साहब को सूरह कुल वल्ला नहीं आई। जब साथियों ने बहुत सताया तो एक दिन कमेज का गवाह हो कह लगे मुझे याद हो गई है, तो पढ़ते कुल वल्ला वखद अल्लाह सबद लव जलिन लव यू लुट। तो ये हाल है जिस असेंबली में ऐसे लोग बैठे हों। मेरे पास सेनेट की एक रिपोर्ट आई, उस पर मैंने सेनेट के चेयरमैन को चिट्ठी भी लिखी, मैं साल पकड़ के बैठ गया। शहीदी साहब, जिसमें जिनको ये पता नहीं कानून क्या है, आईन क्या है, उसके हवाले क्या है, बस। तो इकबाल कहते हैं कि 200 फोटों से इंसान की फिक्र नहीं आती। आपके लिए एक ही जुमला कहता हूँ, कितने सादा है मीर, हुए थे जिसके सबब दीवार, उसी अत्तार के लौंडे से दबा लेते हैं। कायदे में नते जाफरिया, मैंने इशारतन आपसे बात की थी, आप सिर्फ हुक्म दे दें, हुक्म दे दे, ना बांस रहेगा ना बांसुरी। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन। हम सिर्फ और सिर्फ राजा नासिर साहब आप गवाह रहिए, आप हमारे बहुत शख्सियत है हमारी मिल्लत के, और सैयद शहनशाह हुसैन नकवी साहब, कायदे मिल्लत एक ऐलान कर दीजिए, मैं आपको ये बताता हूँ कि ये हुसैन के दीवाने किस तरह थाने की दीवार से जाके टकराएंगे, ना थाने रहेंगे, ना पर्चे, ना एफआईआर। एक एफआईआर हुई थी हमारे एक जिले में, और मैंने कहा मैं 30 आदमी जिनके खिलाफ हो या मैं लेके आ रहा हूँ। एसपी मेरे पाँव पड़ गया, कहने का मुफ्ती साहब मेरे पास तो 8 आदमियों से ज्यादा जगह ही नहीं है। एक दफा आप किबला उठिए, एक दफा आप आगे भी कहा था उठिए, एक दफा आप हमें हुक्म दे के देखिए। और देखिए ये 75 साल का बूढ़ा मेरा भाई, 78 साल का अली गिलानी, उसको इंडिया वालों ने मार दिया, मुझे कोई फिक्र नहीं मुझे पाकिस्तान वाले मार दें, मगर मैं सच कहूँगा, हक कहूँगा, बाकी रह गई अदाजारी, इसकी हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। इन्ना नखनो नजल ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफिज़ून फ़सअलू अहले ज़िक्र इन कुंतुम ला तअलमून। अल्लाह ने ज़िक्र की हिफाजत भी खुद की है, अहले ज़िक्र की हिफाजत भी वो खुद कर रहा है। हम बाविये से नहीं डरे, मुतवक्कल से नहीं डरे, मरवान के बेटे से नहीं डरे, हमने हम खिलाफत है उस्मानिया से नहीं डरे। आज ये सऊदी जो खुद अमरीकियों के तलवे चाहते उनसे डरे, ना उनसे डरते हैं ना उनके पिट्ठुओं से या डरते हैं। इमरान साहब और बाजवा साहब, ये रोज रोज सऊदी अरब की दावतें न खाएं, बस कोशिश करें अपने मुल्क को संभाले, ये किश्ती डूब रही है। लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन, लबैक या हुसैन।